देखिए, कल जिस तरीके से ईडी ने कोर्ट में सबमिशंस किए वो बहुत ही बाहियात से सबमिशंस थे, उनके सबमिशंस का कोई आधार नहीं था। और आपको मैं बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जी जब से जुडिशियल कस्टडी में भेजे गए हैं तब से कोर्ट के डायरेक्शंस पे उनको होममेड फूड प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उनका जो शुगर लेवल जो हमें पता चला है वो दिन ब दिन जो है वो अलार्मिंग पोजीशंस पे पहुंच रहा है। वो पिछले 30 सालों से डायबिटिक रहे हैं और इन 30 सालों के दौरान जो उनकी कंडीशंस रही है और जिन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ने उनको देखा है वो टाइम टू टाइम इंसुलिन उनको रेकमेंड करते रहे हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतना हाई शुगर लेवल होने के बावजूद भी उनको इंसुलिन डिनाई किया जा रहा है, जेल अथॉरिटीज नहीं दे पा रही है उनको, जिससे हमें उनके लाइफ को लेकर एक खतरा लग रहा है। क्योंकि हमने भी जब मेडिकल प्रैक्टिशनर से बात करी कुछ, उन्होंने बोला कि ये जो शुगर का लेवल है जब ये 250 ऑनवर्ड्स 200 ऑनवर्ड्स बढ़ जाता है तो इंसुलिन रिक्वायर्ड होता है। जब ये रिक्वायरमेंट है कि ताकि उनका शुगर लेवल नीचे जाए तो फिर किस बात की जो है देरी की जा रही है, ये हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। क्या कोई साजिश चल रही है, क्या कोई कॉन्स्पिरेसी है कि उनके हेल्थ को जो है डिटोरिएट किया जाए ताकि जो है वो इश्यूज क्रिएट हों। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए चूंकि वो जुडिशियल रिमांड में है, हमने जज साहिबा के पास एक एप्लीकेशन मूव करके ये डिमांड करी है कि जो रेगुलर प्रैक्टिशनर जो उनको देख रहे हैं उनके साथ उनको कंसल्ट करने का मौका दिया जाए, उनसे कंसल्टेशन की जाए और जो इंसुलिन की डोजेज जो रिक्वायरमेंट है जो इन्होंने डिनाई किया हुआ है वो उनको प्रोवाइड किया जाए। सर, जो बात है आप कह रहे हैं कि इंसुलिन डिनाई किया जा रहा है, किसी मेडिकल बुलेटिन में किसी रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि उनको इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है? अरे भाई, हम जो मिल रहे हैं उनसे, जो उनके फैमिली के लोग मिल रहे हैं, लीगल मीटिंग्स में जो मुलाकात हो रही है उनमें वो खुद बोल रहे हैं भाई जो ऐसा तो नहीं है कि ये बीमारी नहीं है, ये तो वो उनको 30 साल से है, उनको पता है कि किस स्टेज पे जो है किस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है। उन्होंने इस बात की चिंता जाहिर करी है कि भाई मेरा ब्लड शुगर बढ़ रहा है, आप मुझे जो इंसुलिन प्रोवाइड कीजिए या फिर मेरे को जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है जो मुझे देख रहे हैं उनसे कंसल्ट करने दीजिए। ये तो हर एक प्रिजनर का बेसिक राइट है। आर्टिकल 21 जो है वो खत्म नहीं हो जाता जब वो जब जुडिशियल कस्टडी में जाते हैं। तो सो अंडर आर्टिकल 21 एवरी प्रिजनर हैज द राइट, उनकी लाइफ एंड लिबर्टी जो है वो खतरे में नहीं डाली जा सकती है। ये कैसा बेबुनियाद सा आरोप लगाया जा रहा है कि भाई वो खुद अपने जो है शुगर लेवल बढ़ा रहे हैं, इसमें कोई जो है कोई इसका कोई तथ्य नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है और सिलेक्टिवली लीक कर रहे हैं वो भी झूठी चीजें। दिस इज कंप्लीट। क्या ईडी खुद डॉक्टर है? ईडी के डॉक्टर है क्या? उनके वकील डॉक्टर है? वो बताएंगे कि क्या खाया जा रहा है और क्या नहीं खाया जा रहा है और किस चीज से कमी होगी? सर, आज इस मामले में कोर्ट ने भी जेल से अथॉरिटी से रिपोर्ट मांगी हुई है, क्या रिपोर्ट आ चुकी है या अभी आने वाली है? अभी वो प्रोड्यूस करेंगे, जो भी जेल अथॉरिटीज की रिपोर्ट है वो कोर्ट के समक्ष रखी जाएगी, कोर्ट में सुनवाई होगी और मुझे पूरा भरोसा है कि कोर्ट जो है वो सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो भी डिसीजन होगा वो, क्योंकि प्रिजनर के राइट्स के लिए को जो है वो हैम्पर करता है, उनकी मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड है, ये बहुत सेंसिटिव इश्यू है। सो वी आर कॉन्फिडेंट द कोर्ट विल सर्टेनली इंटरवीन इन इट एंड विल सीक द रिपोर्ट। दे हैव सॉट द रिपोर्ट, दे विल सी द रिपोर्ट एंड पास अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स।